एक काम करो, ये जो 1200 लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो लिखा हुआ 1200, इसके पहले जीरो लगा दो, दो जीरो लगा दो तो, हाँ प्रेस करो जीरो एक बार और एंटर कर दो, इसके पहले मुझे जीरो लगाना है, समझ गए? तो कैसे ये आएगा? आप सब भी ध्यान दीजिए कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है 1200 लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसके नीचे और भी चीजें लिखी हुई है, लाइक 4999, 999, और यहाँ 9 लिखा हुआ है। इसके पहले जीरो लगा के देखते हैं क्या होता है, तो आ नहीं रहा था वो लगा रहा था, तो ये देखिए जीरो लगा दिया, फिर ये जो है 9 बन गया। अब जीरो कैसे ऐड करेंगे? जीरो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, एक कमाल का फॉर्मूला है टेक्स्ट, इसको मैं डेट के लिए भी काफी यूज करता हूं। तो यहां पर टेक्स्ट लगा लीजिए और ये वैल्यू पकड़ लीजिए, ठीक है, कॉमा दीजिए। फॉर्मेट क्या देना चाहते हैं? फॉर्मेट हमें जीरो देना है ना, कितना जीरो देना? अच्छा देखिए यहां पर कितने अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, नंबर्स कितने लिखे हुए हैं, एक ये 1 लिखा है पहला, ये 2 हो गया, दूसरा 0 हो गया, तीसरा फिर ये 0 हो गया, चौथा, 4 अंक लिखे हुए ना, तो यहाँ पे 4 जीरो दे देता हूं, ठीक है। कितने जीरो ऐड करने हैं? पहले एक के पहले यानी 1200 के ठीक पहले कितने जीरो ऐड करने हैं आपको? दो जीरो ऐड करना है, तो यहां पर 5 बार लिखने के बाद 2 बार जीरो लिख दीजिए और इस डबल एंटेड कोट्स को क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देख पाएंगे कि 2 जीरो ऐड हो गया है, ऐड हो गया ना, ये देखिए ये ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं तो सबके पहले 2 जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किसी के पहले 3 जीरो ऐड हो गया, किसी के पहले 4 जीरो ऐड हो गया, ऐसा क्यों हुआ आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर जब हम आते हैं तो यहां पर आपको 3 अंक मिलेंगे, जैसे 999 मिलेगा, इसे मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, आपको देखने में सुविधा होगी। ये देखिए यहां पर जो है, अगर मैं टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करता हूं तो ये टेक्स्ट फॉर्मूला हो गया, और यहां पे देखिए ना 999 में 3 ही अंक है ना, यहां पर तो 1200 था तो 4 अंक थे, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट किया तो अब इसमें 3 ही अंक है, ठीक है। अब इसमें आप लीडिंग कितने जीरो ऐड करना चाहते हैं, 999 यानी 9 मतलब लेफ्ट साइड में कितने जीरो ऐड करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि 2 जीरो अगर आपको ऐड करना हो या 1 जीरो ऐड करना हो, तो पहले तो इन तीनों नंबर्स को देखिए, 3 नंबर है ना, तो इन 3 नंबर्स के लिए आपको पहले 3 जीरो लगाना पड़ेगा। अब अगर चौथा जीरो लगा देते हैं तो 1 जीरो ऐड हो जाएगा, डबल डॉटेड कोट्स को क्लोज कीजिए और अब प्रेस कर दीजिए एंटर, तो देखिए 1 ही जीरो लग के आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप नीचे ड्रैग करिएगा तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ 2 जीरो 3 जीरो लग गया। अब ये 3 जीरो क्यों लग गया भाई? क्योंकि यहाँ पे 3 अंक थे और आपने कुल मिला के 4 जीरो ऐड किए थे, ठीक है। और यहां पर देखिए यहां पर 1 ही अंक है, ठीक है, तो आपने 4 जीरो ऐड किए तो 3 जीरो तो लग ही जाएगा ना, ठीक है। अगर इसमें 1 जीरो ऐड करना चाहते हैं तो वापस से लगा दीजिए टेक्स्ट फॉर्मूला, और ये टेक्स्ट फॉर्मूला लगाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए, 1 जीरो ऐड करना है ना, तो 1 नंबर हो गया और 1 जीरो हो गया। डबल इनवर्टेड कोट्स में इसको रखिएगा, सिंगल इनवर्टेड कोट्स या सिंगल इनवर्टेड कोट्स में नहीं रखना, डबल इनवर्टेड कोट्स में ही रखना है आपको। तो इधर आ जाइए, अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो देखिए यहां पर जो है 0 1 ही ऐड हुआ है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर 4 है तो आप इसको ड्रैग करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा आराम से, देखिए यहाँ पे 4 ही नंबर है तो यहाँ देखिए 2 जीरो लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको जीरो ऐड करना हो किसी भी नंबर के पहले तो आसानी के साथ इस फॉर्मूले की मदद से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।